2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। ये हमारा एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है नीट 2023 का। यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, केमिस्ट्री के उठाए मैंने यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस, और मैं आपको केमिस्ट्री के अंदर में तुक्का ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ इन चार क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है कि भाई तुक्का ट्रिक्स किस तरीके से लगता है, तुक्का किस तरीके से मारा जाता है। ठीक है ना, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप ऑफ तुक्का हमारे पास में लगता है। तो डेमोंस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर मैंने आपके सामने जो है चार क्वेश्चन उठा लिए, चार अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने जो है उठा लिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग यार नीट के अंदर में कम टाइम में 100 से 150 नंबर बूस्ट करने हैं ना, नीट 2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप सारे के सारे ट्रिक्स सीख जाओगे स्ट्रक्चर्ड वे में। 5 घंटे का हमारे पास में एक कोर्स है, और आप एप्लीकेशंस देखोगे ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है, आप रिस्क मैनेजमेंट को समझोगे। ठीक है ना, कि भैया रिस्क क्या होता है, कैसे आपको हमेशा पॉजिटिव स्कोर लेकर के आना है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे ओवरकम करना है, मतलब कि कुछ क्वेश्चन गलत होंगे कुछ क्वेश्चन सही होंगे, कैसे आप ज्यादा क्वेश्चन सही करोगे, मतलब कि मान लो आपका नेगेटिव हुआ -10 और आप पॉजिटिव कर रहे हो +40, तो आपका नेट 30 नंबर आप जो है इंक्रीज कर रहे हो, तो ये किस तरीके से हो सकता है, ये सारी चीजें आपको जो है कोर्स के अंदर में देखने को मिलेगी। और साथ में मॉक टेस्ट भी जो है, 2 मॉक टेस्ट इसके अंदर में इंक्लूड कर दिया गया विद सॉल्यूशंस, तो जो भी सारी चीजें आप सीखोगे उसको आप अप्लाई करके भी चेक कर पाओगे एग्जाम के पहले। ठीक है ना, कम टाइम में पढ़ करके इतना नंबर बूस्टअप नहीं हो सकता, ट्रिक्स एंड चीट कोड से बूस्टअप हो सकता है लॉजिकल वे में, जेन्युइन वे में, इसलिए आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काफी सारे स्टूडेंट्स ऑन अ डेली बेसिस इसके अंदर में एनरोल कर रहे हैं, आपको भी अपॉर्चुनिटी है, आप भी अपने नंबर को जो है इंक्रीज कर सकते हो। अब बात करते हैं इन चार क्वेश्चन के बारे में, तो यहां पर देखो आप सबसे पहले क्वेश्चन देखो, यहां पर दिया 138 सेकंड हमारे पास में हाफ लाइफ है, राइट। So, कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को इक्वेशन से सॉल्व करने लग जाते हैं, आप कुछ मत करो, 1.28 को आधा करो तो 0.64 हो जाएगा, एक बार और आधा करो 0.32 हो जाएगा, एक बार और आधा करो 0.16 हो जाएगा, फिर 0.08 एंड देन 0.04, तो 1, 2, 3, 4, 5 पांच बार आपको आधा करना पड़ेगा, इसका मतलब 138 को 5 बार आपको करना पड़ेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा क्लियरली सी, ऑप्शन सी 690। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट भी देखने की जरूरत नहीं, आपको पता है 13.5 से 65 होता है, तो 60s के अंदर में आपके पास में जो आंसर होगा 600 के आसपास आंसर होगा, क्योंकि 138 समथिंग आपको दिया है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, कैलकुलेशन करने लगते हैं, इन सारे क्वेश्चंस में आप टाइम वेस्ट मत करो, जब आपको पता है कि बाकी सारे ऑप्शंस इतने दूर दूर हैं, तो आप सीधा जो है एक ऑप्शन जो करेक्ट जो है मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है, येस और नो? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कभी भी आपको सिमिलर ऑप्शंस दिखे ना, सिमिलर ऑप्शंस अगर आपको दिखे तो आप उसमें तुक्का लगाया करो। जैसे आप इस चार ऑप्शन को देखोगे तो ये क्या है, ऑड ऑप्शन एलिमिनेट कर दो आप, ठीक है ना, ये एक ऑड ऑप्शन है। ठीक है, फिर ये भी क्या है, ऑड ऑप्शन है क्योंकि इसमें लीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना, मोल -2 दिया हुआ है, लेकिन आप ए और बी को देखोगे ना, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ठीक है, चार में से ये ऑड वन आउट हो गया, ये भी थोड़ा सा ऑड दिख रहा है, ये दोनों सिमिलर है। इसमें देखो ध्यान से देखो आप कि भैया सेकंड इनवर्स तो सेम है, और जो मोलारिटी है ना वो बस उल्टा हो गया, मोल पर लीटर, यहाँ पे लीटर पर मोल हो गया, बस इतना डिफरेंस है। तो कभी भी आपको दो ऑप्शन सिमिलर दिखे ना, उस दोनों में आप तुक्का लगाया करो, क्योंकि होता क्या है, साइकोलॉजी को समझो, जब भी कोई क्वेश्चन बनता है तो टीचर को उसका सोल्यूशन भी बनाना पड़ता है, तो जब टीचर सोल्यूशन बनाते हैं ना, तो टीचर के पास क्या रहता है, पहले तो एक करेक्ट आंसर रहता है टीचर के पास, और उसके बाद में टीचर को 3 इनकरेक्ट आंसर बनाने पड़ते हैं, समझ रहे हो, तो ये बहुत बोरिंग काम होता है। तो कई बार टीचर लोग पता है क्या करते हैं, करेक्ट ऑप्शन को ही थोड़ा सा चेंज करके एक इनकरेक्ट बना देते हैं, ठीक है, और उनको पता है क्या लगता है, उनको लगता है कि वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको ए और बी में कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वो आपको ये बता दे रहे हैं कि सी और डी के आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको साइकोलॉजी समझ में आ रही है, टीचर लोग क्या करते हैं, दो ऑप्शन सिमिलर रख देते हैं, वो करेक्ट आंसर में से एक इनकरेक्ट थोड़ा सा घुमा करके बना देते हैं, इससे आपको ये समझ में आता है कि उन दोनों में से करेक्ट आंसर हो सकता है, यस और नो?
ठीक है। तो आप लोग देख लेना यार, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आर इक्वल टू के एट दू पार जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू के, ठीक है ना, मोलारिटी, मोलारिटी पर सेकेंड ही हो जाएगा ये, ठीक है ना, मोल ये मेरे ख्याल से ए हो जाएगा, ए, ठीक है ना, ये हमारे पास में ए हो जाएगा, राइट। अब आप लोग आ जाओ यहां पर, तो आप लोगों ने अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, ये सबको पता होता है, ठीक है ना, O2 हमारे पास में पैरामैग्नेटिक होता है, इतना सबको पता होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सबसे पहले हम लोग यही पढ़ते हैं कि O2 क्यों पैरामैग्नेटिक है, क्या आपको बात समझ में आ रहा है। अब आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि पैरामैग्नेटिक के तीन ऑप्शन है, ठीक है, डायमैग्नेटिक का एक ऑप्शन है, तो ऑड वन आउट को इलिमिनेट कर दो। टीचर आपको किसमें कंफ्यूज कर रहा है, पैरामैग्नेटिक में, तो आप क्यों डायमैग्नेटिक में कंफ्यूज हो रहे हो, आप डायमैग्नेटिक को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, राइट। अब आप देखो कि भैया O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक, और एक बात बताओ, अगर पांच इंसान हो, ठीक है, इसमें से कुछ लड़के हो कुछ लड़कियां हो, तो क्या सबकी शादी हो सकती है, क्या सबकी पेयरिंग हो सकती है, अगर हम अज्यूम करें कि लड़का लड़की से ही शादी कर रहा है तो नहीं हो सकता ना, छह में हो सकता है, छह में क्या होगा, तीन लड़का तीन लड़की शादी हो सकती है, पेयरअप हो सकता है, पांच में या तो तीन लड़का होगा या तो दो लड़की होगी, कुछ ना कुछ तो कम ज्यादा होगा, तो ये पेयरअप नहीं हो सकता, मतलब कि ऑड इलेक्ट्रॉन कभी भी पेयरअप नहीं हो सकता, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्या आपको बात समझ में आ रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है, कभी भी पेयरअप नहीं हो सकता, समझ रहे हो। तो अगर 17 इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये कभी भी पेयरअप नहीं हो सकता, 16 हो सकता है, 18 हो सकता है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम कभी पेयरअप नहीं हो सकता, तो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है हमेशा क्या है, पैरामैग्नेटिक होगा। तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिना उसके क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि O2 प्लस क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो वो पैरामैग्नेटिक ही होगा, तो आंसर हो गया हमारे पास में सी, और कुछ चेक ही नहीं करना। तो थोड़ा सा क्या आपको ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना आना चाहिए, O2 पता था आपको पैरामैग्नेटिक है, और आपको O2 प्लस दिख गया साथ में, जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब कि इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन कितने 15 है, है ना, O2 का 16 हो गया और एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 15 हो गया, तो 15 ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 15 के अंदर में कभी भी पेयरिंग नहीं हो सकता, एक ना एक तो अकेला रह ही जाएगा, तो पैरामैग्नेटिक तो होना ही है, क्या आपको बात समझ में आ रहा है, राइट। इस क्वेश्चन को देखो, कभी भी आप लोग को ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिख जाए, मान लो आपको दिख जाए 0.0, 1.0, 0.1, 1.1, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को तुक्का नहीं लगाओगे, आप क्रॉस कॉम्बिनेशन को तुक्का लगाओगे, समझ रहे हो आप बात को। कभी आपको ऐसा दिख जाए प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, तो आप इन दोनों को तुक्का नहीं लगाओगे, आप इन दोनों में से तुक्का लगाओगे, हमेशा आपको क्रॉस कॉम्बिनेशन में तुक्का लगाना चाहिए, हमेशा आपको क्रॉस कॉम्बिनेशन में तुक्का लगाना चाहिए, क्या आपको बात समझ में आ रहा है, हमेशा आपको क्रॉस कॉम्बिनेशन में जो है तुक्का लगाना चाहिए। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे एस एन वन एस एन टू में आप तुक्का लगाओ, SN2 SN1 में आप तुक्का लगाओ, लेकिन दोनों SN1 मत लगाओ, दोनों SN2 मत लगाओ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की बात है, चांसेस की बात है, मैं गारंटी नहीं दे रहा आपको कि ये मेथड्स काम करेंगे, बट ये मेथड्स काम करते हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन बनता है तो जनरली एक वैल्यू कुछ और होती है, दूसरी कुछ और होती है, दोनों सेम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 10 में से 8 बार आपका लॉजिक जो है काम करेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है, मान लो आपका नीट में जो है 720 में से आप सिर्फ 400 नंबर ही सॉल्व कर पा रहे हो, आपको पता है इसके अंदर में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको अपना नंबर बढ़ाना है 500 के ऊपर लेकर के जाना है, तो आपको अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा ना। अगर अटेम्प्ट करना ही है तो अंधा तुक्का मत लगाओ, लॉजिकल तुक्का लगाओ, इंटेलिजेंट गेसिंग करो, ऑप्शन को एलिमिनेट करो, जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं उससे आप तुक्के लगाओ, आपको जो अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको ऑन स्पॉट फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स देखना है ना, तो कोर्स में आप एनरोल कर लो, इसके अंदर में है एग्जाम टाइम सिनेरियो में, यहां पे क्या सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर में क्या है ऑन स्पॉट एज अ स्टूडेंट मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसे एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपको जो है तुक्का ट्रिक्स लगाना है और अच्छा खासा पॉजिटिव स्कोर जो है बूस्टअप करना है, ठीक है ना यार। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग जाकर के एनरोल कर सकते हो, राइट। बाकी तो बस यही बात है। सबको स्वागत है हमारे नीट 2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। यह हमारा एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है नीट 2023 का।